आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है जो 2022 में मैट्रिक या इंटर परीक्षा पास किए हुए हैं उनके लिए जो छात्रवृत्ति होती है इंटर की, जितने भी लड़कियां उनको जो 25,000 सरकार बोली हुई है देने के लिए और बहुत को गया भी है, और जो 10th के बच्चे हैं उनको जो है 10,000 जो दोस्तों बात की गई है, तो बहुत सारे बच्चे को जा चुका है लेकिन कुछ बच्चे जो बचे हुए वो बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो है। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से मेधा soft.bih.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये दोस्तों 4 जनवरी को ही एक्टिवेट हो चुका था ये वेबसाइट, लेकिन इसमें कुछ लिंक काम नहीं कर रहे थे, तो ये अब अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो आपको इस पर आना है, और आने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए अगर 4/2022 स्कॉलरशिप, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 2022 के लिए है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए आवेदन करें। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि आवेदन तो अबकी बार हुआ है नहीं, जो बच्चे को पैसा आ चुका है वो तो कहेगा आवेदन तो हम किए नहीं, पैसा आ गया कैसे। तो ये उनके लिए जिनको आया नहीं है, क्योंकि ना देखिए होता क्या है, जिस प्रकार से आप 10th कहने मतलब 7, 8, 9 में जो पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आप स्कूल में ही सारा चीज़ ऑनलाइन होता है और आपको साइकिल का पैसा आ जाता है या फिर पोशाक का पैसा आ जाता है, ढेर सारा पैसा आपको आया होगा पहले भी विदाउट ऑनलाइन आप किए हुए। वो क्या करता है, स्कूल ही सब कुछ कर लेता है। उसी तरीके से अबकी बार क्या हुआ है कि कॉलेज जो है 12th के लिए कॉलेज जो है वो खुद सभी बच्चों का ऑनलाइन किया, और जो है 10th के लिए स्कूल ने सबका ऑनलाइन कर दिया हाई स्कूल ने। तो अब उसमें जो बच गया, तो मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं था स्कूल में, किसी न किसी कारण से आधार लिंक किए वो कोई ना कोई कारण से वो क्या हुआ उसका जो आवेदन नहीं हो पाया, तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले मैं 10th वाला बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों 2022 के लिए, उसी तरीके सब इसवी का है। तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ कुछ चीज़ महत्वपूर्ण दिया गया है। बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है, बैंक अकाउंट नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली, यानी कहने मतलब स्टूडेंट के नाम से ही खाता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, ज्वाइंट अकाउंट नंबर इज नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि संयुक्त खाता जो है, अब यानी कि संयुक्त खाता कहने का मतलब जो है ज्वाइंट अकाउंट जो आपको मान्य नहीं होगा। फिर जो है आप यहाँ से ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट लिस्ट फॉर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं किसका पेंडिंग है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इतने जो है दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग है। चलिए किसी एक को ओपन करते हैं, ये दोस्तों पब्लिक है, आप भी आकर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस भी कॉलेज पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेंडिंग है, इतना पेंडिंग दिख रहा है, ये सभी नाम के जो है ये क्या है, ये सभी पेंडिंग है। इन सभी को अभी जो है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से आना होगा। जिसका पेंडिंग है उसे क्या करना होगा कि आप यहाँ पर ऑनलाइन करेंगे, विदाउट ऑनलाइन आपका नहीं हो पाएगा। इस पेंडिंग सूची में जिनका है उन्हीं को आवेदन जो ऑनलाइन तरीके से करना है, क्योंकि बहुत को तो जा चुका है। फिर यहाँ स्टूडेंट लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे पेमेंट डन, मान लीजिए आपका पेमेंट डन वाला लिस्ट है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चलिए यहाँ पे कोई भी जिला चूज कीजिए, पब्लिकली है यहाँ पे, और यहाँ पर आप कोई भी एक चलिए हम स्कूल चूज करते हैं हाई स्कूल, फिर यहाँ पे क्लिक करें कॉलेज का नाम। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को पैसा जा चुका है, क्या जा चुका है, जितने भी स्टूडेंट इनको पैसा जा चुका है, पैसा जाने वाला लिस्ट हो, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं पर एक चेक योर नेम द लिस्ट, यानी कि आप यहाँ से अपना नाम देख सकते हैं कि लिस्ट में है कि नहीं। तो आपको पता ही है कि देखिए फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है, तो आप 10th में दोस्तों जाता ही जाता है, STSC को सेकंड वाले को भी पैसा मिलता है, तो लिस्ट में 100% होगा ही होगा। बहुत में जैसे मान लीजिए किसी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इस तरीके से देख लेना है। अगर आप में नहीं गया है तो आप मान लीजिए पहले करना है कि आपको नहीं गया है तो एक चीज़ पैसे कन्फर्म करना है, क्या करना है, यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट एक ऑप्शन है, रिपोर्ट पे आएंगे और रिपोर्ट पाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। क्या देना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना, चलिए एक हम रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वली आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जो है सर्च पे क्लिक कर लेंगे। तो सर्च पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए नॉट फाउंड है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं इक्वली वैसे डाल रहा था, ये गलत है, अंदाज ही मैंने डाला है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना और सर्च पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर नाम दिख जाएगा, सारा चीज़ दिख जाएगा, स्टेटस क्या कैसे है सब कुछ दिख जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपना पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा आया है कि, अगर वहाँ नहीं होगा तब यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहले कन्फर्म कर लेना है कि आपका आधार कार्ड से अकाउंट लिंक है, बैंक खाता और नाम जन्मतिथि सारा चीज़ सही है। अब देखिए इसमें इंटर वाले के लिए भी है, तो सेम ही प्रक्रिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ही है, बस कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये अपना मोबाइल फ़ोन से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको
आप मोबाइल फोन से भी यहाँ पे सब पे एग्री करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल ओनली फॉर जो है 10th पास स्टूडेंट ऑफ 2022 यानी 2022 के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे हमने फॉर्मेट बताया, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डालना है, फिर यहाँ पे 00 जो बीच में है, फिर ऐसे जैसे आपको मार्कशीट पर दिखेगा वैसे ही डालना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नाम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट नाम भरना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ड्रॉप डाउन बॉक्स से चूज कर लेना है कोई भी जो आपके मार्कशीट पे है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स से पास हुए हैं, फिर यहाँ पे आप कौन से कैटेगरी हैं, और फिर यहाँ से आपको डिवीजन कौन है, फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ पर आपको जो है मेरिट तो नो ही रखना है। उनके बाद आधार कार्ड पर जो भी डिटेल वो भरना है। यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ आधार, यहाँ पर आधार पर जो नाम है, फिर आपको जो मेल है फीमेल है किया है, और फिर यहाँ पे नंबर, और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी भर लेना है। और फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिक जब सही डिटेल भरेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देकर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, और ओटीपी जाने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, कर लेना है ईमेल पर भी। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट भरना है, और फिर प्रीव्यू पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। इसी तरह से आप इंटर वाले को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ कर लेने के बाद कुछ दिन के बाद आपको एक मोबाइल पे जो है आईडी पासवर्ड आएगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए इंटर वाले पे भी क्लिक करके दिखाते हैं, दोनों सेम ही प्रक्रिया है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हम जो है आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या क्या करना होगा। पोर्टल पर पंजीकरण कृपया विभागीय तथा बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करेंगे। ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन कर लेंगे तो सत्यापन का इंतजार करेंगे। सत्यापन के सही पाए जाने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड, जैसा कि हमने आपको बताया, पासवर्ड भेजा प्राप्त होगा। आप इस आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर आवेदन का अंतिम रूप देंगे, यानी कहने का मतलब जैसे पिछले बार हुआ था, आवेदन का अंतिम रूप देने के लिए आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, और लॉगिन करके आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अंतिम रूप देना तथा समय पर पोर्टल पर जानकारी अपनी आवेदन की स्थिति देखनी, यानी कि आपको अपना स्थिति देखते ही रहना है, तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मान लीजिए आपके किसी न किसी कारण से गलती हो गया, जैसे कि बहुत सारे बच्चे में क्या हुआ है कि जाति का डिफरेंट हो गया, जैसे मान लीजिए कोई है बीसी है उसमें लग गया है ईबीसी, या फिर है कोई एसटी हो गया एससी, या ओबीसी है वो एससी रह गया, तो वो एडमिट कार्ड पर लिखा रहता आप किस कैटेगरी से आते, मार्कशीट होता नहीं है, तो गलती अगर आप में होगा तो फिर परेशानी होगी। तो ऑनलाइन करते वक्त आप एक बार एडमिट कार्ड को भी देख लेंगे कि आपका क्या कैटेगरी उसमें दिया गया है। फिर अंतिम रूप देने पर 10 दिन के अंदर आप अपने दिए गए बैंक खाते के पोर्टल पर जो जरूर जांच कर ले। कृपया यूजर आईडी पासवर्ड और बैंक खाता आधार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सभी को शेयर ना करें। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो है दो स्टेप में आपको ऑनलाइन करना होगा, और तब जाके आपको जो पैसे आपके अकाउंट में संपूर्ण हो जाने के बाद 10 दिन के बाद आपको पैसा आ जाएगा, और आप पैसा चेक कर सकते हैं अपने खाता में। तो मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। ऑनलाइन हो जाने के बाद आप यहाँ पर रिपोर्ट पाएंगे, और फिर यहाँ से चेक स्टेटस भी क्लिक करके देख सकते हैं, आप चेक करते रहेंगे क्या हो गया आवेदन का। तो इस तरीके से आप अपना जानकारी ले सकते हैं। तो जानकारी कैसे ली कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।